एक लड़का अचानक से लापता हो गया। दूर दूर तक कहीं कोई सुराग नहीं था, लेकिन जुर्म के पूरे 9 महीने बीत जाने के बाद हत्याकांड का वो स्याह सच खुलकर सामने आया जिसमें कातिल थी उसकी माशुका और माशुका के परिवार के वो चंद दरिंदे एक लड़के के हत्यारे बन गए। माशुका ने तैयार किया मर्डर का मंसूबा, घर वालों के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या, प्यार नागवार होने पर किया कत्ल। 8 महीने के बाद सामने आई सच्चाई। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन लोगों को गौर से देखिए। 8 महीने पहले इन लोगों ने मिलकर एक लड़के को मौत के घाट उतारा, लेकिन उस पाप ने इनका पीछा आज तक नहीं छोड़ा। अंजाम ये था कि हत्या के इल्जाम में वो पूरा का पूरा परिवार सलाखों के पीछे खड़ा था। हम बिशरक थाने में मौजूद हैं। इसी थाने की पुलिस ने इस हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक 8 से 9 महीने तक प्रेमी और प्रेमिका के बीच रिलेशन थे और प्रेमी उसके साथ शादी करने वाला था। जब परिवार शादी के लिए राजी नहीं हुआ तो प्रेमी ने अपने साथ प्रेमिका के जो फोटो थे वो परिवार को भेज दिए और शादी करने का दबाव बनाया। जुर्म के इस किस्से को समझना है तो वक्त को 8 महीने पीछे लेकर जाना होगा। बात 13 जून 2022 की है। गाजियाबाद का रहने वाला वो लड़का अचानक गुमशुदा हो गया। महीनों तक उसकी तलाश चली लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। करीब 7 महीने के बाद नोएडा पुलिस को एक कंकाल मिलता है। कंकाल मिलने के साथ ही पुलिस को ये अंदाजा हो चुका था कि मृतक की कोई न कोई रिपोर्ट थाने में हो सकती है। एक सूचना प्राप्त हुई कि कंकाल पड़ा हुआ है, वहाँ पे उसको कलेक्ट किया गया और पीएम के लिए भेजा गया। इसकी गुमशुदगी इस बच्चे की लिखी हुई थी जिसपे जांच कर रही थी हमारी टीम, तो ये दिमाग में बात आई कि हो सकता है कि ये कंकाल उसी का हो, क्योंकि अगर एक कंकाल है तो कहीं न कहीं उसकी गुमशुदगी होनी चाहिए। गुमशुदगी के एंगल से जब पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो एक एक कर लड़के की मौत के राज खुलने शुरू हो गए, जिसके बाद मृतक के फोन की हिस्ट्री ने उसके हत्यारों की हकीकत बता दी। सीडीआर इत्यादि जो भी चीजें हैं उसका एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि इस लड़के का एक बच्ची है उससे रिलेशन था और घर वालों को ये बात नागवार गुजरी थी और काफी दिनों से रिलेशन था, तो उस दिन घर वालों ने बात करके ही उसी लड़की के माध्यम से इस लड़के को बुलवाया। मृतक के रिलेशनशिप की खबर सामने आई तो पता चला रिश्ता करीब 9 साल पुराना था, लेकिन लड़की के घर वालों को ये रिश्ता नामंजूर था। इस बीच लड़के ने अपनी माशुका की चंद तस्वीरें उसके घर वालों को भेज दी। फिर लड़की के पूरे परिवार ने मिलकर जुर्म की पटकथा को तैयार किया। ये पूछ जांच हुई, कई बार इनको बुलाया, माँ बेटी आती थी, इन्होंने कोई बात बताई नहीं है। तो उसके बाद में फिर हमने कहा सर साहब हम गरीब आदमी दौड़ दौड़ के परेशान हो रहे हैं, इनका लड़का पकड़ा जाए तो उनसे पूछ जांच करिए। तो लड़का पकड़ा गया, पूछ जांच हुई तो वो इन्होंने ही मारा है, कबूल कर लिया। एक सोची समझी साजिश के तहत उन लोगों ने लड़के को घर बुलाया, शाम के वक्त पहले लड़के के साथ खाना खाया, फिर मौका पाकर उसको मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद लड़की के चंद परिवार वालों ने मिलकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। लड़का लगभग 4:30 बजे गाजियाबाद स्थित जो उसका घर था वहाँ पे लड़की घर पे पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों ने पहले नॉर्मल बिहेव किया, फिर खाना खाया साथ में, और खाना खाने के बाद समय देख करके अभियुक्तों के द्वारा उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई और मोटरसाइकिल पर बैठा करके उसको, बीच में आगे एक लड़का चला रहा था शुभम और पीछे उसका मामा मनीष, वो लेकर के उसको बैठा था और यहाँ पे लाके उसको फेंक दिया इन लोगों ने। बाइक की मदद से वो लोग लाश को एक सुनसान इलाके में लेकर पहुंचे, जहां लाश को पानी के अंदर छिपाया गया। आरोपियों ने शायद ये सोचा होगा कि उनका जुर्म वहीं दफन होकर रह जाएगा, लेकिन 8 महीने बीतने के बाद उनकी सच्चाई आखिरकार सबके सामने आ गई।
प्रेमिका के परिवार वालों ने प्रेमिका से फोन कराया और फोन कराने के बाद उसको अपने घर बुलाया। घर बुलाने के बाद गला दबाकर हत्या की गई और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद उस युवक को बाइक पर बैठाकर घर से करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर ठिकाने लगा दिया। आरोपियों की निशानदेही पर लड़के के एक कातिल का खुलासा हो गया था। सलाखों के पीछे अब वो परिवार है जिसने मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत लड़के के आशिक को मौत के घाट उतारा। जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने जुर्म स्वीकार किया। इन लोगों की निशानदेही पर जो जहां पे पानी भरा हुआ था उस पानी को भी हम लोगों ने साफ कराया, तो जो शेष बचा हुआ कंकाल था, इसके कुछ कपड़े थे, बेल्ट थी, इत्यादि चीजें भी जो पहले मिली थी और बाद में भी कुछ चीजें मिली है, जिसके आधार पर इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। सभी अभियुक्त गिरफ्तार हैं, जिसमें 2 महिला अभियुक्ता हैं और 3 पुरुष अभियुक्त हैं। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। 9 साल की आशिकी थी। लड़के ने लड़की की चंद तस्वीरों को उनके घर वालों के पास भेजा था, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने मिलकर उस लड़के को मौत की नींद सुला दिया। जून में हुआ ये जुर्म जनवरी तक छिपा रहा, लेकिन 8 महीने बाद जब राज सामने आया तो सलाखों के पीछे उसकी माशुका का पूरा परिवार पहुंच चुका था। अब पुलिस को उस युवक का कंकाल मिला और कंकाल के पास जो कागज, जो पेपर, उसके कपड़े, जूते, बेल्ट मिले थे, उससे परिवार ने उसकी पहचान की है। फिलहाल पीड़ित परिवार इन आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहा है। वहीं पुलिस ने प्रेमिका, उसके भाई, पिता और उसकी माँ और मामा को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अमित चौधरी।